स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.5 और देखें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट जो कैपिटल यू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मैंने बताया था जैसे कि आपको सारे सेट्सों का पापा बोलते हैं इसको, तो दो बराबर से आओ यूनिवर्सल सेट की मैंने एक से लेकर 9 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ए सेट के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 2 4 6 8, सी के अंदर 3 4 5 6, और आपको बोला गया पहले वाले पार्ट के अंदर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और जो सेकंड पार्ट है वो पहले पार्ट की तरह सेम है, इसलिए वो होमवर्क कर लेना। मैंने वही पार्ट लिखे हैं जो सारे अलग अलग हैं, अगर ये कर लोगे तो बाकी वाले पार्ट आपके हो जाएंगे। तो ए यूनियन सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और बी माइनस सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, तो सुनो कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं जब जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे कराऊंगा। अब मतलब के लिए समझ लेना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यहाँ पर नॉट, बात समझ में आ गई, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला गया है उसी को अगर आप यूनिवर्सल से माइनस कर दोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पहले पार्ट को समझा के आइए, तो मेरे को सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट क्या बोलता है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बॉस नॉट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपका नॉट, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझेंगे कि नॉट है, बात समझ में आ गई। तो कैसे होगा देखो, आओ ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब यूनिवर्सल में से आप ए के एलिमेंट को माइनस कर दो तो आप निकल जाओगे ए के कॉम्प्लीमेंट में, बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा देखो, आओ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9 तक, और माइनस करना है ए, ए कितना है 1 2 3 4, और माइनस करना मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखा चुका हूं, जिसको नहीं आया हो एक बार दोबारा से जाके प्रीवियस वीडियो को देख ले। और कैसे करना है, मैंने दो सुनो, ए के अंदर से ये वाले एलिमेंट माइनस करने हैं, जो दो यूनिवर्सल जो दिख रहा है आपको, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो। कैसे माइनस होंगे, एक से लेकर 4 एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9, तो जो बच गए दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या निकल गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ गया अच्छे से। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो एक बार और, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला पार्ट, तीसरा पार्ट है आपका बॉस ए यूनियन सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट की तो दूर की बात है, पहले मुझे क्या करना है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसे माइनस कर देते हैं हम यू में से। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं यू में से माइनस कर दूं ए यूनियन सी का सी, देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट था तो मैंने उसी को यूनिवर्सल से माइनस कर दिया। अब बात आती है कि ये क्या है, ये कैसे निकलेगा, तो मैं आपको 1.4 के अंदर यूनियन निकालना भी सिखा के आया हूं, हम साथ साथ में वाला होगा। तो कैसे निकलेगा देखो, आ जाओ यहां निकालना हो, कैसे निकलेगा ए यूनियन सी, आइए तो ए के एलिमेंट, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सही है, और यूनियन सी के एलिमेंट 3 4 5 6, आओ कैसे करते हैं यूनियन, आ जाओ फटाफट से, तो चलो करते हैं। तो 1 2 3 4, एक तो सारे वो एलिमेंट जो नहीं आए, तो कौन से नहीं आए थे 5 और 6, ये निकल गया आपका ए यूनियन सी, समझ में आ गया ए यूनियन सी, समझ में आ गया ए ये रहा सी ये रहा, बात समझ में आ गई, तो मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या बोला यूनिवर्सल कितना है भाई, 1 2 3 4 5 डॉट 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 समझ गाड़ी 9 तक, तो ये 9 तक लिखे हुए हैं, माइनस कर देंगे ए यूनियन सी, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर आप 1 2 3 4 5 6 माइनस करोगे तो क्या बचेंगे और एलिमेंट, यहां बचेंगे 7 8 और 9, तो फाइनल आंसर इज दिस, ये निकल गया आपका ए यूनियन सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ गया। नॉट इज का मतलब जो बोला जाए उसी को यूनिवर्सल से माइनस कर दो, उसी को हटाओ, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, एक ऑर्डर का ए ही नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं कैसे होगा, यूनिवर्सल में से ए को हटाओ तो ए हट गया, तो बाकी सारे एलिमेंट्स आ गए, तो वो होंगे ए नॉट, समझ में आ गया। अब अगले पर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब मुझे बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, पहले प्रॉपर्टी सुने, अगर आपको दिख जाए ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो वापस से ए बन जाता है। देखो सुनो, मैंने बोला एक बार कॉम्प्लीमेंट करता तो होता है नॉट, और दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते तो यस नहीं हो जाएगा, नॉट नॉट इक्वल टू ये, तो कैसे, तो बताता हूँ आइए फटाफट से मेरी बात समझो। मैंने बोला यूनिवर्सल में से माइनस करूंगा मैं ए नॉट के ऊपर नॉट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा यूनियन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट है बॉस, तुम समझो। तो मैंने क्या बोला, आइए तो ए यूनियन कितना है आपके पास, तो यूनियन है आपके पास बॉस 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक, और माइनस करना है ए नॉट, पर ए नॉट आप पहले ही निकाल कर आ रहे हो, पहले पार्ट के अंदर स्टार बना दिया मैंने, तो कितना निकला था 5 6 7 8 9। मैंने क्या बोला ऊपर वाले में कि ए नॉट चाहिए, तो देखो यूनियन में से ए माइनस करा तो ए नहीं हट गया, तो बाकी सारे एलिमेंट आ गए थे,
अब मैंने क्या बोला, वापस से यस बन जाएगा। तो देखो अगर आप 5, 6, 7, 8, 9 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4। और गौर से देखो तो ये क्या बन गया, ए। और यही तो था मैंने क्या बोला, जब किसी कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते तो क्या बन जाता है, ए। तो नॉट और नॉट मिलाकर क्या बन जाते हैं, यस। तो वापस से वही एलिमेंट बनकर तैयार हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात। अगला और लास्ट सवाल देखो फटाफट से। फोर्थ, फोर्थ क्या है, फोर्थ में सिक्स देखिए। तो आपको करना है बी माइनस सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकलेगा, सेम तरीका, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो बी माइनस सी। अब बात आते बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, तो सेम तरीका जैसे निकालते, तो फटाफट आओ बी माइनस सी कैसे निकलेगा, बी में से सी के माइनस कर दो, तो 2, 4, 6, 8 माइनस 3, 4, 5, 6, चलो माइनस करो। देखो भाई 4 और 6 तो कट गए, तो क्या बच गया, 2 और 8। तो ये आ गया आपका बी माइनस सी। और यूनिवर्सल क्या है आपका, 1, 2, 3, 4, 5 .. 9 और माइनस कर देंगे अपन बी माइनस सी, जो कि कितना आया था 2 और 8। और माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 और 8 चले गए, तो बच गए आपके 1, 3 सही है, 4, 5, 6, 7, 9, क्योंकि 8 तो हट चुका है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट से इसको उतार लो स्पीड से, स्क्रीन शॉट ले लो उसका। अगला सवाल देखें, आपको यूनिवर्सल सर गिवन है, ए से लेकर एस तक आपको इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं और बोला गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। आपको जो सेट्स गिवन है इनके कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी अल्टीमेट में बोलूं तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो आ जाओ। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा यानी उसी के एलिमेंट ना हो, तो कैसे होगा देखो आ जाओ फटाफट से। तो मैंने बोला गाइस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस। अब यूनिवर्सल कितना है, ए से लेकर ए बी सी .. कहां तक जा रहा है, एस तक जा रहा है, बस समझ में आ गई। और माइनस कर दोगे ए के एलिमेंट, तो ए क्या है, ए बी सी माइनस करना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यानी ए बी सी ना आए बाकी सारे आए, तो बाकी सारे लिख दो यहां पर सी डी के अलावा, तो डी ई एफ जी और एच, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर आपने आपसे बोला है बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम तरीके से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से बी माइनस, तो यूनिवर्सल कितना था, ए बी सी डी और .. कहां तक गई गाड़ी, एस तक जाएगी, बात समझ में आ गई। तो एच से अब माइनस कर दोगे लास्ट में इससे बी के एलिमेंट, तो डी ई एफ जी, अगर आप इनको माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो डी ई एफ जी, ये आप पीछे के माइनस करोगे नहीं, यहां से लेके ये वाले एलिमेंट माइनस करोगे तो क्या बचेगा दोस्त, तो आपको बचेगा ए बी सी और एच, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये एलिमेंट बचे, जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है आप उसी को एलिमेंट को यूनिवर्सल से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो गाइस जो थर्ड आपका क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क जा रहा है, सेम क्वेश्चन है 1 और 2 की तरह, वो आपका होमवर्क जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि डी मॉर्गन लॉ प्रूव कैसे होता था। तो जो सामने लिखा हुआ है आपका ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। और एक और होता है, ये यूनियन वाला था ये इंटरसेक्शन वाला था, कैसे हो जाएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी के हॉल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आएगा, अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, बात समझ आ गई। तो याद करने का तरीका समझ में आ गया। अब मेरी बात ना प्रूव करा रहा हूँ कि कैसे प्रूव होती है ये डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी, फटाफट देखो। तो उसके लिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, और आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक से लेकर 9 एलिमेंट, ए गिवन है बी गिवन है, और आपको निकालना है ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा बॉस, मैंने ले लिया एलएचएस, मैंने ले लिया एलएचएस, मैं पहले पार्ट को कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट में ले लिया मैंने एलएचएस, तो एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको सिखाया था कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसी को अगर मैं यूनिवर्सल से माइनस कर दूं तो बताइए उसका नॉट निकल जाता है, तो कैसे होगा देखो आओ। तो मुझे निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे निकालूंगा देखो आओ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए कितना है 2, 4, 6, 8, फिर यूनियन बी कितना है 2, 3, 5, 7, चलो भाई। तो मैंने बोला यूनियन निकालते हैं तो 2, 4, 6, 8, अब इसके एलिमेंट वो एलिमेंट जो ए में नहीं आया, तो मैंने कहा 2 आ गया, 4 इसके अंदर है ही नहीं, तो 3 आ जाएगा बॉस, फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। तो मैंने कहा फटाफट से आ जाइए, तो यूनिवर्सल कितना था 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे कहां तक जाएगा,
नौ तक जाएगा और माइनस करेंगे दो चार छ आठ कॉमा तीन पांच सात, तो सारे एलिमेंट माइनस करने हैं आपको यूनिवर्सल से। तो मैंने क्या बोला, ये सारे एलिमेंट हटाने के बाद जो बचे एलिमेंट वो लिखना है। तो मैंने बोला क्या आ जाएगा, यहाँ एक नहीं था आ जाएगा, यहाँ पर तीन भी है, दो भी है, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, सात भी है, आठ भी है, तो अल्टीमेट क्या आएगा लास्ट में नौ, क्योंकि नौ नहीं है बाकी सारे एलिमेंट दो से लेकर लगातार सारे बढ़ रहे हैं, तो एक और नौ आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर यही चीज में आरएचएस में ले आया तो हेंस रूट, क्योंकि आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो देखो फटाफट से आइए, अब आरएचएस क्या बोलता है, आरएचएस बोलता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ए को कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर आप बी को कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर आप दोनों के बीच में कॉमन देख लोगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन करना। तो क्या होगा, देखो आ जाइए, अब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना सिखाया मैंने आपको, तो आओ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड यू माइनस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड यू माइनस बी। तो कैसे आएगा देखो, आ जाओ यू एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ हो गया। अब माइनस करेंगे अपन इसके अंदर से ए, ए कितना है दो चार छ आठ, चलो माइनस कर दो, तो दो चार छह आठ गया तो क्या बचा बॉस, ए तीन पांच सात नौ, बात समझ आ गई, यही बचे। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने बोला ये एक तीन पांच सात नौ, यही तो बचा अपने पास, अब फटाफट से आ जाओ यू माइनस बी करना, तो एक दो तीन चार पांच डॉट 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 नौ तक, और माइनस कर दो बी, और बी कितना है दो तीन पांच सात, तो दो तीन पांच को हटा के बाकी लिख दो, तो कितना है एक चार सही है छ सात, सात में सात हट गया, फिर यहाँ आ जाएगा आठ नौ, ये आ जाएगा आपका बॉक्स। क्लियर है? तो ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में देख लो कॉमन कौन है, तो मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू कितनी आई एक तीन पांच सात नौ, इंटरसेक्शन बी में कितना आया एक चार छ आठ नौ। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, क्योंकि मेरे को क्या करना है दोनों के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या एक यहाँ भी है नौ यहाँ भी है, एक यहाँ भी है नौ यहाँ भी है, बाकी एलिमेंट देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर इज वन कॉमन नाइन। और गौर से देखो एक और नौ एल एच एस में भी था, एक और नौ आर एच एस में, तो क्या बोलूंगा सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, पर हेंस प्रूव, समझ में आ गया। अब सेम तरीके से आप सेकंड वाला होमवर्क दे रहा हूँ, डी मॉरल वही है, सेम तरीके से होगा, सेम प्रॉपर्टी रहेगी। तो अगला वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, नहीं आया अगर मुझे कमेंट में लिखेंगे मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्लियर है? फटाफट से बता दो। तो गाइस अगला सवाल देखें, अगला सवाल है अपना ड्रो एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? जो हमारे कुछ सवाल आएंगे 1.6 में और मिसलेनियस में जो वेन डायग्राम से होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है वाला बनाना। तो देखो ड्रो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपन समझते हैं। देखो मैंने कहा आइए, तो आपको लिखाना है ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने कहा ये डी मॉर्गन लॉ है, कैसे पता लगा देखो फटाफट से आओ, मैंने लिखाया था एक लॉ डी मॉर्गन लॉ का कि अगर यहाँ यूनियन है तो क्या हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब गौर से देखा जाए तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना, यानी ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि तो है ना जो ड्रो इसकी होगी वही ड्रो इसकी होगी, क्योंकि देखो दोनों सेम पार्टी है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा नीचे वाला भी डी मॉर्गन लॉ है, इसका होता है बॉस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो ये है वही है, इसका मतलब इन दोनों की ड्रो भी सेम होने वाली है। अब बात अगर ड्रो बनेगी कैसे तो वो सुनो, तो मैंने कहा मैंने आपको बताया था कि अगर ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाए, अगर मैं यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को माइनस कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा इसके पास, और इसके पास पहुंच गया तो ये इसके इक्वल होता है, ये भी हो गया फिगर। तो मैंने बोला कैसे पहुंचूंगा, तो देखो समझो मेरी बात को, मैंने कैसे करना है, तो मैंने कहा इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट, यानी सबका बाप, बात समझ में आ गई, दैट इज कॉल्ड यू यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सेट बनाए थे वही ए सेट बी सेट, और इसको बोलते हैं ए सेट में बी सेट में जो कॉमन है यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट, बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे क्या करना है वो सुनो, तो मैंने कहा ये लीजिए, मैंने बना लिया ए सेट्स और बी सेट्स, ये रहा ए ये रहा बी, बात समझ में आ गई, ए और बी मैंने बना लिया। अब मुझे करना है ए यूनियन बी को माइनस, यूनिवर्सल का मतलब है पूरा यूनिवर्सल, उसमें से माइनस करना मुझे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम बोलते हैं बॉस इसको, देखो समझो मैंने बोला ए यूनियन बी बोलते हैं हम इधर से लेकर इस सर्कल से, मैं तो आपको नीले से बाउंड करके दिखा रहा हूं, तो मैंने बोला पूरा का पूरा जो हमारा है ये पूरा,
ये पूरा का पूरा, पूरे के पूरे जितने भी अंदर है, ए और बी पूरा का पूरा, और विद ये इंटरसेक्शन वाला ये सारा का सारा, अगर मैं यूनिवर्सल में से नीले को माइनस कर दूं, तो अगर मैं फिगर की बात करूं कि कौन सा फिगर मेरा ये वाली वैल्यू निकालेगा या ये वाली वैल्यू निकालेगा, एक ही बात है, तो मैंने कहा कौन सा फिगर होगा, तो देखो आ जाओ फटाफट से, जो मैं रेड कर रहा हूँ ये वाला वैल्यू देखो, ये रेड वाला, ये वाला जो पार्ट होगा मेरा रेड वाला, ये वाला पार्ट मेरा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड ए, समझ में आ गया बॉस। तो ये वाला फिगर जो होगा, जो ये रेड रेड वाला पोर्शन है, रेड पोर्शन मैं लिख दे रहा हूँ, रेड पोर्शन, ये रेड पोर्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए यूनियन बी के ऊपर हॉल कॉम्प्लीमेंट, ये जो डेरो बनी है इसकी है, और जो अंदर वाला जो नीला वाला पार्ट है, नीले वाले पार्ट को बोलते हैं ए यूनियन बी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ड्रो बना दीजिए इसकी, तो मैंने रेड रेड वाले पोर्शन को दिखा रहा हूँ, रेड पोर्शन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया। तो अगले वाले की भी हो गई, यानी पहले की और दूसरे की फिगर तो मैंने इसी को बना दिया, अब बात आती है तीसरे वाले की और चौथे वाले की, समझ लेते हैं। तो वो आ जाओ फटाफट से, सेम काम मैंने बोला, आपने दोबारा से एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये लीजिए तीसरा और चौथे की सेम ही है ना, तो मैंने बोला ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, और ये रहा आपका ए, और ये रहा आपका बी। अब बात आती है, मैंने बोला कि ए ये रहा, बी ये रहा, मेरे को निकालना है इंटरसेक्शन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर सेम करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं तो पहुंच जाऊंगा। अब बात आती है कि ए इंटरसेक्शन बी है क्या, तो इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसको, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ब्लैक वाला, दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, यानी यूनिवर्सल तो पूरा है, अगर पूरे में से मैं ब्लैक वाला पोर्शन को माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, तो अल्टीमेट मेरा कौन सा पोर्शन बचा हुआ, तो मेरा पोर्शन बचा रेड वाला पोर्शन, देखो कौन सा है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जो रेड रेड से कर रहा हूं, ये हमारा जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन निकलेगा, ये पोर्शन निकलेगा हमारा बॉस, या तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बोल दो, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बोल दो, और इस बीच वाले ब्लैक वाला पार्ट है, ये रेड पोर्शन वाला होगा दिक्कत है, और जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है, जो ब्लैक पोर्शन है वो हमारा हो जाएगा कॉमन पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गया, फटाफट से इसको उतार लो स्पीड से। अगला सवाल देखें, आपको सिलेक्ट करना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, तो देखो आपको करना पड़ेगा सही काम करना, सही निशान लगाना क्या आएगा इसके अंदर, तो देखो सुनो, आपको बोला गया है पहले पार्ट में ए यूनियन ए पे कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन भाषण में आ रही है, और ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनियन माइनस ए, बात समझ में आ गई। अब यूनियन में से ए माइनस करेंगे तो मैं बोल सकता हूं क्या, जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ए नॉट आएगा, तो मैंने कहा ए यूनियन ए नॉट, अब ए यूनियन ए नॉट के अंदर से, ए यूनियन ए नॉट के अंदर से, तो मैंने क्या बोला यहां पर क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए नॉट के अंदर से, तो मैंने बोला ये आएगा आपका ए, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए नॉट का मतलब है कि ए के एलिमेंट हो ही ना, और इन दोनों में कॉमन है, तो ए के एलिमेंट तो सारे आ जाएंगे, जो वो आएंगे जो ना हो, तो वो जो ना हो वो सारे आएंगे, तो अल्टीमेट ए आ जाएगा, बात समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा ए, क्लियर है। अगला वाला देखो, अगला वाला केस क्या है, फाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अब फाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनियन में से फाई को माइनस करना है, और इंटरसेक्शन ए, अब यूनियन में से फाई गया, यानी यूनियन का मतलब यूनिवर्सल पूरा सेट, पूरे सेट में जीरो गया, तो यू ही बचेगा, अब यू इंटरसेक्शन ए करना है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो यूनियन और ए में कॉमन, तो ए कॉमन होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बॉस, ए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, क्लियर है। अगले वाले पर आओ, अगला वाला देखो, अगला वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन ए पर कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा बॉस, इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन माइनस ए, अब यूनियन माइनस ए का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको माइनस कर देते हैं यूनियन यूनियन में से उसका हमारा कॉम्प्लीमेंट ले, इसकी वैल्यू क्या है, तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा फाइव, तो यहां पर आ जाएगा फाइव, क्लियर है। अगला वाला देखो, आपको बोला यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बॉस, देखो आओ चौथा वाला केस, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनियन में से यूनियन माइनस करोगे, क्योंकि जिसको कॉम्प्लीमेंट होता है उसी को माइनस करोगे, यूनियन यूनिवर्सल में से माइनस करा तो क्या आ जाएगा बॉस, जीरो, जीरो का मतलब क्या है फाइव इंटू ए,
फाइव और ए का कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं, तो क्या आएगा? फाइव। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? फाइव। तो आंसर क्या होगा आपके? ए ए फाइव फाइव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फटाफट से इसको उतार लो। तो गाइस आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब हम मिलेंगे 1.6 और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फटाफट से वेन डायग्राम से भी करेंगे, नॉर्मल भी करेंगे। गुड, तो ओके, बाय बाय।